आज की मजेदार कहानी है जादुई छड़ी। एक बार की बात है, गोलू अपने घर में आराम कर रहा था। अचानक उसके कमरे की खिड़की पर बिजली चमकी। गोलू घबराकर उठ गया। उसने देखा कि खिड़की के पास एक बुढ़िया हवा में उड़ रही थी। बुढ़िया खिड़की के पास आई और बोली, गोलू तुम अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। गोलू यह सुनकर बहुत खुश हुआ। बुढ़िया ने गोलू को एक छड़ी देते हुए कहा, गोलू ये जादू की छड़ी है, तुम इसे जिस भी चीज की तरफ मोड़कर दो बार घुमाओगे वह चीज गायब हो जाएगी। अगले ही दिन गोलू वह छड़ी अपने स्कूल ले गया। वहां उसने मस्ती करना शुरू किया। गोलू ने स्कूल में भी टीचर की किताब गायब कर दी, फिर कई बच्चों की रबर और पेंसिलें भी गायब कर दी। किसी को भी पता न चला कि यह गोलू की छड़ी की करामात है। जब वह घर पहुंचा तब भी उसकी शरारतें बंद नहीं हुई। गोलू को इस खेल में बड़ा मजा आ रहा था। किचन के दरवाजे के सामने एक कुर्सी रखी थी। गोलू ने सोचा, क्यों न मैं इस कुर्सी को गायब कर दूं? जैसे ही उसने छड़ी घुमाई वैसे ही गोलू की माँ किचन से बाहर निकलकर कुर्सी के सामने से गुजरी और कुर्सी की जगह गोलू की माँ गायब हो गई। गोलू घबरा गया और रोने लगा। इतने में उसके सामने वह बुढ़िया आ गई। गोलू ने बुढ़िया को सारी बात बताई। बुढ़िया ने गोलू से कहा, मैं तुम्हारी माँ को वापस ला सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं तुमसे ये जादू की छड़ी की वापस ले लूंगी। गोलू रोते हुए बोला, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, लेकिन मुझे मेरी माँ वापस ला दो। तब बुढ़िया ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते गोलू की माँ वापस आ गई। गोलू ने मुड़कर बुढ़िया का शुक्रिया कहना चाहा, लेकिन तब तक बुढ़िया बहुत दूर बादलों में जा चुकी थी। गोलू अपनी माँ को वापस पाकर बहुत खुश हुआ और दौड़कर गले से लग गया। आप लोगों को आज की जादू की छड़ी की कहानी कैसी लगी? आशा है कि ये आपको पसंद है। ऐसे ही और रोचक किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।